ते हुण पेश है प्रोग्राम 9:10। किश्त 14, इंद्र कुमार गुजराल दी चिठी। माई डियर ऋषि, तुहाडियां चिठियां सुन के मेरा भी दिल कीता कि तुहाडे नाल मैं भी अपने दिल दे वलवले सांझे करां। मेरे प्रधानमंत्री होण दे दौरान, उस तो पहला ते उस तो मगरों भी अपनियां गल्लां हुंदियां रहियां ने, पर अजोके भारत की राजनीति की चर्चा अज जे मैं ना करां तो यह ठीक नहीं होगा। साढ़े इधर भी अजक गल भारत की काफ़ी होंगी है। हुणे हुणे दिल्ली दियां विधानसभा चोणां होके हटियां ने ते नतीजे भी आ गए ने। इन्हां नतीजियां तो एक राजनीतिक पार्टी बहुत हैरान हुई है। ऋषि जी, पता है वह किहड़ी पार्टी है? ना तो यह कांग्रेस है ते ना ही भारतीय जनता पार्टी, यह है आम आदमी पार्टी। साढ़े सारिया वास्ते यह गल तसली वाली रही कि इन्हां चोणां विच नफरत हार गई है, लोगों विच वंडियां पाउण वाला तत हार गया है। जिहड़े लोग इस नूं भारत पाकिस्तान की लड़ाई दस रहे सन, उन्हां दा भारत भी हार गया है। देश भगती का सर्टिफिकेट वंडन वाले हार गए ने। सब तो वड्डी गल, भारत की केंद्र सरकार वल्लों लिआंदा गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA सवालों के घेरे हेठ आ गया है। ऋषि जी, जे ये कानून सही हुंदा तां फिर सरकार इस कानून बारे लोगों नूं समझाउण विच कामयाब नहीं हुई है, ते जे ये कानून गलत है तो फिर घट्टो घट दिल्ली वासियां ने तो इस नूं रद्द कर ही दिता है। इसे ते वोटां भी मंगियां गईयां सन। हुण सरकार दा यह फर्ज बनता है कि इस बारे कदम चुके। जदों शीला दीक्षित की अगवाई वाली कांग्रेस सरकार की दिल्ली तो विदाई हुई तो दिल्ली को उस वेले 9,000 बसों का काफिला सी। आम आदमी पार्टी की सरकार वेले फ्लीट 5,000 बसों का रह गया। अरविंद केजरीवाल ने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने ते 500 नवे स्कूल बनाउण दा वादा कीता सी। उस वादे का की बनिया? भारतीय जनता पार्टी ते कांग्रेस दोवें एक गल लोगों नूं दसण पुछण विच कामयाब नहीं हो सकियां। लोगों ने भी इस गल वल ध्यान नहीं दिता। इसका की मतलब है? इसका मतलब है कि लोग हिता वाले मुद्दों तो ध्यान हटा के नफरत वाले पासे लगाउण दी कोशिश की जा रही सी। एक पासे नफरत वंडियां अनुचित भाषा वाली धिर सी ते दूजे पासे केंद्र सरकार नाल लगातार आडा लेंदी आ रही आम आदमी पार्टी की सरकार सी, जिसने अपने वादे भी पूरे नहीं किते। लोगों ने घट माड़ी पार्टी चुन ली, लैसर ईवल। कांग्रेस इस मैदान विच है ही नहीं सी। इस पार्टी का मानसिक दिवालियापन सामने आ चुकिया है। चोणां दिल्ली विच सन, राहुल गांधी केरला विच रैली कर रहे सन, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विच लोगों नाल मुलाकात कर रही सी। पी चिदंबरम कह रहा है कि दिल्ली वासियां ने चंगा कीता है, बाकी देश विच भी अजिहा ही होना चाहिए। उन्हूं कोई पूछे कि बाकी देश विच भी कांग्रेस सिर्फ जीरो ते ही टिकी रहे? ऋषि जी, हासा आउंदा इन्हां दीआं टपलियां ते। इह चोण नतीजे सबक ने। आम आदमी पार्टी दे सारे पांच मुसलमान उम्मीदवार जिते ने, उन्हां दा सिख उम्मीदवार भी चोण जित गया है। बाकी पार्टियां दा ना कोई सिख उम्मीदवार जितया ते ना मुसलमान। इसका अर्थ भी समझ लेना चाहिए ऋषि जी, घट गिणतियां भारतीय जनता पार्टी तो दूर हो रही ने। हुणे कह रहे ने कि दिल्ली वासी मुफ्त खोरे ने ते मुफ्त बिजली पानी बस यात्रा नूं वोटां पा दित्तियां। पंजाब विच की हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल मुफ्त बिजली पानी आटा दाल दे के सरकारां नहीं बनाउंदे आ रहे? कांग्रेस मुफ्त साइकिल मोबाइल वंट के सरकार नहीं बना चुकी? पिछलियां चोणां विच तां देसी घिओ ते चाह पत्ती भी मुफ्त वंडण दा ऐलान चुकी फिरदे सी। दिल्ली दे लोकां दा फैसला स्वागत करन योग है, यह डेमोक्रेसी की जित है। जे इस नूं सबक मन के आम आदमी पार्टी भी ना चली तां अगली बार नतीजे होर हो सकते ने। जे इस नूं सबक मन के भारतीय जनता पार्टी चलती है तां अगली बार उस वास्ते भी नतीजे होर हो सकते ने। कांग्रेस लई मेरी हमदर्दी हाजिर है, उस वास्ते नतीजे अगली बार भी लगभग यही रहने ने। उन्हां विच सबक सीखण दा मादा ही खत्म हो चुक्या है। बाकी अगली बार। इंद्र कुमार गुजराल।